गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज हम ज्ञान का आवश्यकता और महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि ज्ञान की आवश्यकता महत्व किस दृष्टिकोण से है। क्योंकि ज्ञान मनुष्य के एक तरह से कहा जाए कि संपूर्ण जीवन को एक दिशा प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए ज्ञान मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक और महत्व ये किस दृष्टिकोण से हम एक सैद्धांतिक आधार पर अगर हम देखें तो हम इसका किस आधार पर हम इसकी आवश्यकता और महत्व को समझ सकते हैं। तो ज्ञान की आवश्यकता और महत्व चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास यानी कि बालक में चारित्रिक गुणों के विकास के लिए ज्ञान होना अनिवार्य है। क्योंकि जब व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है, जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है या वो किसी चीज को पढ़ता समझता उससे संबंधित ज्ञान को अर्जित करता है तो उसे वास्तविक तथ्य समझ में आते हैं। और जब उसे सत्य का ज्ञान होता है, सत्य वास्तविक तथ्यों का पता चलता है, सत्य की जानकारी होती है, सत्य का ज्ञान होता है, तो निश्चित है कि हर व्यक्ति चाहे कोई भी हो अगर वो सत्य से परिचित है तो वो उसी का समर्थन करेगा। न्याय को कहा जाए कि वो उस सत्य का पालन करेगा। चारित्रिक गुणों के विकास के लिए भी सत्य क्या है इसे पहचानने की क्षमताएं होनी अनिवार्य है। सत्य और असत्य में अंतर कर सकना, उन्हें पहचान सकना और उसी के आधार पर अपने व्यवहार को सुनिश्चित करने की क्षमताओं का विकास होना अनिवार्य है। और ज्ञान व्यक्ति की इन क्षमताओं के विकास में भागीदारी देता है या योगदान देता है, जिससे कि व्यक्ति अपने चारित्रिक गुणों का विकास कर सके। चारित्रिक गुणों में कि भाई कोई भी जैसे हम कहें कि झूठ असत्य नहीं बोलना चाहिए, ये चरित्र का एक गुण है। तो अब बालक असत्य नहीं बोलना चाहिए, इसके जो वास्तविक तथ्य हैं, इसके जो वास्तविक कारण हैं, जब उनसे परिचित होता है तो वो स्वाभाविक रूप से अपने असत्य बोलने की प्रवृत्ति में परिवर्तन करने लगता है। इसीलिए ज्ञान होना व्यक्ति को बहुत अनिवार्य है। इसीलिए ज्ञान है व्यक्ति को तो वह अपने चारित्रिक गुणों में विकास कर सकते। दूसरी बात आती है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, अब आप कहेंगे कि शारीरिक विकास तो एक स्वाभाविक है, उसमें ज्ञान क्या करेगा। ज्ञान की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है कि शारीरिक विकास के लिए जैसे पौष्टिक आहार का होना बहुत अनिवार्य। तो पौष्टिक आहार क्या होता है, किसे कहते हैं पौष्टिक आहार, किस मात्रा में कौन सा हमें तत्व ग्रहण करना चाहिए जिससे कि हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास को मतलब गति मिल सके या एक सही दिशा मिल सके। अर्थात कि ज्ञान जब एक व्यक्ति को है विभिन्न पक्षों, क्योंकि शारीरिक विकास में केवल एक पौष्टिक भोजन ही नहीं, व्यायाम की आवश्यकता होती है, अपने दैनिक दिनचर्या की नियमित दैनिक दिनचर्या की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक विकास में अपना योगदान देते हैं। इसीलिए शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से व्यक्ति को इन सभी के महत्व को समझने के लिए कि पौष्टिक आहार क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है, दैनिक व्यायाम क्यों करना चाहिए, जब इन सब चीज़ों को वो जानता है, समझ पाता है, तभी वह उसका पालन करता है। तो ज्ञान ही है जो इन सबसे उसे परिचित कराता है। इसीलिए ज्ञान का होना बहुत महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी। फिर बाद में आने के बाद संतुलित विकास। संतुलित विकास, संतुलित विकास यानी कि किसी भी चीज का विकास संतुलित होना चाहिए, ना तो बहुत अधिक होना चाहिए ना ही बहुत अधिक
यानी कि आवश्यकता से अधिक भी शरीर के लिए हानिकारक है और आवश्यकता से कम भी हमारे लिए हानिकारक है। इसीलिए एक संतुलित विकास यानी कि किसी भी चीज़ का, जैसे हम कहें हमको दोष आया कि हमको तो व्यायाम करना चाहिए, हमें शारीरिक विकास के लिए बहुत अनिवार्य है। अब आपकी आवश्यकता कितनी है आपके शरीर, आप उसी तुलना में उसी अनुपात में व्यायाम करें। कोई भी पौष्टिक तत्व आपकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल आप ग्रहण करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। इसीलिए संतुलित विकास के लिए केवल शारीरिक विकास ही नहीं आता है, उसमें व्यक्ति का सामाजिक विकास भी आता है, उसका आर्थिक विकास भी आता है, उसका सांस्कृतिक विकास भी आता है। सब एक तरह से कहा जाए सर्वांगीण विकास की जहाँ बात आती है तो उसमें संतुलित होना अनिवार्य है, क्योंकि जब वो संतुलन बनाकर रखता है कि जैसे उसका सामाजिक विकास में है तो किस तरह से एक संतुलित व्यवहार के माध्यम से वह समाज में एक सम्मानजनक, एक आदरणीय और एक महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है। पद से मतलब किसी पद को नहीं, सम्मानीय स्थान, लोगों की नज़रों में एक सम्मान, आदर, सत्कार की भावना का विकास हो पाता है। अर्थात आपका संतुलित व्यवहार चाहे नैतिक गुणों से संबंधित हो, मूल्यों से संबंधित हो, आपके आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हो, आपके लिए संतुलित व्यवहार का होना अनिवार्य है। और यही संतुलन किस तरह से बनाया जा सकता है, संतुलन की आवश्यकता क्या है, किस किस माध्यम से हम अपने किसी भी क्षेत्र से संबंधित संतुलन के लिए किसके माध्यम से हम संतुलन को बना सकते हैं, इसके ज्ञान को समझने के लिए व्यक्ति को ज्ञान का होना अनिवार्य है। अर्थात कि संतुलित विकास के लिए भी ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। अगली बात आती है इसमें उच्च जीवन आदर्श। हम नैतिक विकास से चारित्रिक विकास की बात करते हैं तो उसमें उच्च जीवन आदर्श भी एक पक्ष, यानी कि एक आप हर व्यक्ति के अपने आदर्श होते हैं, वो वक्त के साथ में अपने कुछ मूल्य या अपने कुछ आदर्शों का निर्माण करता है। ये आदर्श उच्च स्तर के होते हैं। उच्च स्तर का मतलब बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नाम कि जिनको हमें अचीव करना ही हमारे लिए समस्या बन जाए या हम ना कर पाए। उच्च आदर्श से मतलब ये है कि इस तरह के आदर्शों का निर्माण हो जो कि समाज के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं या समाज में एक आपको प्रतिष्ठित पद दिलवाने में महत्व भागीदार होते हैं। आदर्श, उच्च आदर्श जिनमें कि आप एक संतुलित व्यवहार को बनाकर रख सकें और अपने कहना चाहिए कि निश्चित मूल्यों के साथ में आप निरंतर रूप से स्वयं की गति विकास के साथ में दूसरों के विकास या गति में भी सहयोग प्रदान कर सकें। ऐसे ही आदर्श मूल्य क्या होते हैं, कैसे इनका पालन करना चाहिए, किस तरह से ये मनुष्य के विकास में भागीदार हैं, इनको जानने समझने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है। इसीलिए उच्च जीवन आदर्श के निर्माण में भी ज्ञान का होना आवश्यक माना है। उसके बाद में आता है व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक विकास यानी कि व्यक्ति को अपनी रुचि, योग्यता, क्षमताओं के अनुसार कौन सा व्यवसाय उसे चुनना चाहिए, किस तरह से उस व्यवसाय में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, किस तरह से वो लाभ प्राप्त कर सकता है, आदि सभी को जानने समझने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य। व्यावसायिक विकास व्यक्ति तभी कर सकता है कि वो अपने व्यवसाय से संबंधित संपूर्ण जानकारी उसे उस क्षेत्र से संबंधित एक अच्छी नॉलेज जिसको हम कहते हैं एक अच्छा ज्ञान, विशेषज्ञता उसको प्राप्त होनी चाहिए। उसके विकास या आगे बढ़ने के हर पक्ष या हर बिंदु के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, हर प्रयास के बारे में उसे पता होना चाहिए, प्रयास कैसे किए जाएं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, तभी वह अपने व्यावसायिक विकास की दिशा प्रदान कर सकता है। इसीलिए व्यावसायिक विकास के लिए भी ज्ञान का होना अनिवार्य। दूसरी बात आती है अगली बात चाहिए रोजगार के लिए। रोजगार के
रोजगार के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति जब ज्ञान अर्जित करता है तो ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशलों का उसमें विकास होता है। अब इन कौशलों के विकास के माध्यम से वो जिसमें योग्यता हासिल करता है, जिस कौशल का उसमें विकास है, उस क्षमताएँ निर्माण है, वो उसी से संबंधित रोजगार का चुनाव कर सकता है। इसीलिए उचित रोजगार के चुनाव के लिए अपने एक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रोजगार का चुनाव करना अनिवार्य है। उसके लिए अनिवार्य है कि एक विशिष्ट कौशल का विकास आपने हो और उसके लिए उस कौशल के विकास में ज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसीलिए रोजगार प्राप्ति के लिए भी ज्ञान आवश्यक और महत्वपूर्ण। अगली बात इसके अंदर है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास भी सभ्यता, हमारी संस्कृति का विकास, उसके मूल्य, उसकी परंपराएं क्या हैं, वर्तमान के साथ में इनको किस तरह से तालमेल बनाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में सब सर्वाधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में इतना तीव्र गति से परिवर्तन या बदलाव है कि जिसके साथ परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का तालमेल को स्थापित करना अपने आप में एक चुनौती। लेकिन जब व्यक्ति को अपने परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों की सत्य वास्तविकता, यानी कि कहना चाहिए वास्तविक मूल्यों का जब उसे ज्ञान है, पता है, तो वो वर्तमान के साथ में उसे सुगमतापूर्वक तालमेल या उसके साथ समायोजन स्थापित कर सकता है। इसीलिए सांस्कृतिक विकास के लिए उसे ज्ञान का होना आवश्यक है। और अगली बात आती है आध्यात्मिक विकास। जहाँ चारित्रिक विकास की बात आती है, जहाँ मूल्यों के विकास की बात आती है, वहाँ इन चारित्रिक और मूल्यों के विकास के लिए उच्च आजीवन आदर्श के निर्माण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान जो है व्यक्ति को सहयोग करता है। अर्थात अध्यात्म क्या है, हमारे अध्यात्म में हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य, हमारी संस्कृति क्या कहती है, किस प्रकार के मनुष्य को जीवन जीना, किस प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए, यानी कि एक विभिन्न प्रकार के कौशल इस जीवन जीने की कला को सिखाने में आध्यात्मिक ज्ञान का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि हमारे नैतिक मूल्यों का निर्माण करना, आदर्शों का निर्माण करना, जीवन जीने की कला का निर्माण करना, हमारी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराना, एक आदर्श शक्ति क्या है और वो किस तरह से मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करती है, इन सभी चीज़ को समझने जानने के लिए अनिवार्य है कि हम अध्यात्म के ज्ञान को अर्जित करें। और इसीलिए ज्ञान का आपकी आवश्यकता और महत्व। आज की बात हम यहीं तक करेंगे, इससे हम कुछ और हमारे पॉइंट्स बाकी हैं जो हम कल के वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज की बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता हो तो भी घर से बाहर निकल रहे हैं, 3 बातों का ध्यान रखें, गोबर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।